इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी, जिन जापान में रहती थी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में रिसर्च कर रही थी। एक दिन उसे फॉरेस्ट के बारे में पता चला, जिन इस फॉरेस्ट पर अपना रिसर्च पेपर लिखना चाहती थी, इसलिए उसने फॉरेस्ट जाकर वहां की पड़ताल करने का मन बना लिया। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इतने सारे लोगों ने इसके लिए उसी जगह को चुना। साथ ही साथ वो जंगल के बारे में लोगों के मन में बैठी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली बात भी निकालना चाहती थी। उसी रात जेन ने अपना सामान बांधा और जापान के माउंट फूजी की तलहटी में बसे गहरे जंगल की तरफ निकल पड़ी। जेन के साथ उसका असिस्टेंट चैन भी था। लंबा सफर तय करके वो दोनों शाम के तकरीबन 7:30 बजे जंगल में पहुंच गए थे। मैम, मुझे लगता है हमें ज्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए। आज रात को हम यही जंगल के बाहर ही अपना टेंट लगा लेते हैं। सुबह कोई गाइड ढूंढकर जंगल में घूमेंगे। नहीं चैन, इस जंगल में कोई गाइड नहीं जाता, और जो हम देखने आए हैं वो हमें जंगल के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं। हम जंगल के अंदर चलेंगे और वहीं टेंट लगाएंगे। जेन और चैन जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। जंगल इतना घना था कि इसे पेड़ों का महासागर कहा जा सकता था। ऊंचे घने पेड़ों से ढका ये जंगल ऐसा था कि पूर्णिमा की रात होने पर भी जरा सी भी चांद छिटक कर अंदर नहीं आ पा रही थी। रात इतनी गहरी और काली भी हो सकती है, इसका एहसास आज पहली बार हो रहा था जेन को। इस घने जंगल में कहीं रास्ता भटक कर वो दोनों खो ना जाए, इसलिए जेन अपने साथ कई सारे डिवाइस जैसे मोबाइल, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और मैग्नेटिक कंपास भी लेकर आई थी। जंगल के अंदर कोई सुरक्षित सी जगह देखने में उन्हें तकरीबन 2 घंटे लगे। 2 घंटे बाद एक झील के किनारे उन्होंने अपना टेंट लगा लिया। जंगल में बहुत अंधेरा है, टॉर्च भी सही से काम नहीं कर पा रहा है, काफी थक भी गए हैं, आज के लिए यही रेस्ट करते हैं। जेन और चेंग अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। दिन भर की थकान के कारण कुछ ही पलों में दोनों गहरी नींद में पहुंच गए। कुछ देर बाद जेन को ऐसा लगा जैसे वो कहीं खींची चली जा रही है, कोई शक्ति उसे सम्मोहित कर अपनी ओर खींच रही हो मानो। अंधेरे रास्ते पर अपनी पलकों को बिना झपकाए वो आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर में वो किसी दलदल नुमा जगह पर पहुंच गई थी। उसके पांव दलदल में धंसते जा रहे थे। खुद को दलदल में धंसता देखकर अचानक ही जैसे उसका सम्मोहन भंग हो गया। अब वो दलदल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। अचानक ही कीचड़ से 2 काले भयानक कंकाल नुमा हाथ बाहर आए और वे उसे और भी तेजी से दलदल के अंदर खींचने लगे। जेन अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक झटके के साथ उन हाथों ने उसे दलदल के भीतर खींच लिया। दलदल के अंदर जेन का दम घोट रहा था। उसकी सांस टूटने ही वाली थी कि अचानक हांफते हुए उसकी आंख खुल गई। ओ माय गॉड, ये कैसा सपना था। जेन की सांसें अभी भी रोक रोक के चल रही थी। घबराकर जेन ने अपने टेंट में चारों ओर नजर घुमाई। एक जुड़ा चमकती हुई आंखों के अलावा टेंट में गुप्त अंधेरा था। उन लाल चमकती आंखों को देखकर जेन थोड़ा सकपका गई और उसने सिरहाने रखा टॉर्च उठाकर उस तरफ घुमाया तो उसे एक तकरीबन 4 फीट का साया बंद टेंट से बाहर जाता दिखाई दिया। यह देख जेन के हाथ थोड़े ठंडे पड़ने लगे थे। अपना बैग कंधे पर टांग कर वह साये के पीछे टेंट से बाहर निकल गई। कुछ कदम चलने के बाद अचानक वह साया गायब हो गया। जेन अपनी टॉर्च से यहाँ वहां तलाश रही थी, तभी एकाएक उसकी टॉर्च ऊपर पेड़ की तरफ गई। पेड़ के ऊपर एक छोटा बच्चा टांगे लटकाए बहुत ही गुस्से में उसकी ओर देख रहा था। बच्चे का पूरा चेहरा सफेद और निष्प्राण था, होठ नीले और आंखें अंदर को धसी हुई थी। जेन की नजर उससे टकराते ही वो बच्चा सीधा जेन के सीने पर कूद गया। जेन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो अपने टेंट में चौंक कर उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर चैंग भी अपने टेंट से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ गया। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो हैं? कहीं गई थी क्या आप? मुझे बुला लिया होता। नहीं चैंग, मैं तो अपने टेंट में सो रही थी। पहले मैंने सपना देखा कि मैं किसी दलदल में डूब गई हूँ। आँख खुली तो मेरे सामने एक छोटे बच्चे का साया खड़ा मुझे घूर रहा था। एक मिनट, क्या कहा आपने? आप सपना देख रही थी तो फिर आपका पूरा ड्रेस कीचड़ में कैसे सना हुआ है? मैम, आप सपना नहीं देख रही थी, आप सच में दलदल में ही थी। अपने कपड़े देख जैन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैन, कुछ तो है इस जंगल में, मैं सपना देख रही हूँ, मुझे विंस दिखाई पड़ रहे हैं,
ये सच में मैं वहाँ पहुँच गई थी। ये जो भी कुछ है इसने मुझे अंदर तक हिला दिया है। आप आराम कीजिए मैम, थोड़ा भी अजीब दिखाई दे तो मुझे आवाज लगा देना। वैसे भी सवेरा होने में कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद शायद सब नॉर्मल हो जाएगा। चैंग की बात सुनकर जैन आंखें बंद कर कर लेट गई। जैन को फिर से कुछ दिखाई देने लगा। भयंकर सूखा पड़ रहा है, ना पीने का पानी मिल पा रहा है, ना खाने को भोजन। तुम अपनी जिंदगी जी चुके हो, अब तुम्हारा पेट भर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे साथ ऐसा मत करो बेटा। तुम अकेले नहीं जाओगे, गांव के सारे बूढ़े एक साथ जंगल जाएंगे, वहाँ पर जो भी रूखा सूखा मिले उसी से तुम अपना गुजारा करना। थक चुके हैं हम तुम्हारा बोझ उठाते उठाते। नहीं नहीं, वो तो घना जंगल है, उसमें कोई जंगली जानवर भी नहीं है, वहाँ कोई जीवित नहीं रह सकता। उनकी दर्द भरी पुकार को नजरअंदाज करके गांव के लोग बूढ़ों को एक साथ जंगल में छोड़ देते हैं। इस जंगल का ना अंत समझ में आता था ना आदि। वे सभी भूखे प्यासे दिन महीने हफ्तों तक यहाँ वहाँ भटकते रहे, ना उन्हें खाने को कुछ मिला, ना बाहर आने का कोई रास्ता समझ आया। इन्हें पेड़ों के आगे पीछे घूमते हुए रोते बिलखते उन्होंने एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए। मैम मैम उठिए, सुबह हो गई। जैन, ये फॉरेस्ट मुझसे बात कर रहा है। ये क्या कह रही हो आप? जैन अपने सपने में दिखाई दी हुई सारी कहानी चैंग को सुनाती है। उन सभी के प्राण इतने दुख और बेबसी में निकले कि वही नेगेटिव एनर्जी इस जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। अब समझ आया कि ये जंगल कसर्ड क्यों है। सुबह तो हो गई है लेकिन यहाँ तो सूरज की रोशनी भी सही से नहीं पहुँच रही है। दिन में भी जंगल में इतना अंधेरा है, इस जंगल की खामोशी अब मुझे भी डरा रही है। एक भी जानवर नहीं है यहाँ, इतना सन्नाटा है कि अपनी सांसें भी धोखनी सी महसूस हो रही है। कुछ अजीब सी मनहूसियत है इस जंगल में। अपनी टॉर्च उठा लो और चलो मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। वो दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगे। बीच बीच में उन्हें पेड़ों पर एक वार्निंग लिखी हुई दिखाई देने लगी, डोंट लीव द पाथ। मैम लगता है किसी ने पेड़ों से ये टेप बांधकर अंदर जाने का रास्ता बनाया है। चैंग और जैन टेप से बने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। चैंग कैमरा निकालो, वो देखो वहाँ कोई डेड बॉडी है शायद। आप यहीं रुकिए मैम, मैं पिक्चर्स क्लिक करके लाता हूँ। डेड बॉडी को देखकर चैंग कैमरा लिए टेप से बने रास्ते से बाहर निकलकर डेड बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। चैंग उसकी तरफ कैमरा फोकस करके फोटो निकाल रहा होता है, तभी लाश के हाथों में हलचल होने लगती है और लाश अपनी जगह से खिसक कर कुछ दूर पहुंच जाती है। इससे पहले कि चैंग कुछ समझ पाता, लाश का गला सला सा हाथ उसके पैरों को खींचकर उसे तेजी से घसीट कर ले जाता है। चैंग की चीख और पत्तों पर चैंग के घसीटने की आवाज सुनकर जैन घबरा जाती है और चैंग की आवाज की दिशा में भागने लगती है। इस तरफ पेड़ ही पेड़ थे, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक जगह पर रुककर जैन अपना माथा पकड़कर जोर से चैंग को पुकारती है। अगले ही पल उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजती है। जैन घबराकर पलटकर देखती है तो उसके ठीक सामने वही सड़ी गली लाश अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। लाश के शरीर का मांस लगभग गल चुका था, जगह जगह से उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। लाश जैन का गला दबाने के लिए हाथ उसकी ओर बढ़ाती है लेकिन जैन उसका हाथ झटक कर तेजी से दूसरी दिशा में भागने लगती है। भागते भागते जैन एक बड़े से पेड़ के पीछे पहुंच जाती है। वहां उसे पेड़ की ओट में छिपा हुआ चैंग दिखाई देता है। चैंग तुम यहाँ? ओ थैंक गॉड तुम ठीक हो। यहाँ कोई है, बोलो मत, चलो मेरे साथ। जैन हैरानी से चैंग के पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या हुआ? सच दिखाने। क्या क्या बोल रहे हो, कैसा सच? कुछ दूर चलने के बाद जैन के सामने वही कीचड़ से भरा दलदल था जो उसने सपने में देखा था। ये तो वही जगह है जहाँ मैं सपने में आई थी। चैंग क्या दिखाने लाए हो यहाँ, तुम्हें हो क्या गया है? अचानक जैन को सैकड़ों आवाजें एक साथ सुनाई देने लगती है, रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें। जैन अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाती है, बस करो, बंद करो ये सब, मैं पागल हो जाऊंगी। जैन के इतना कहते ही आवाजें एकदम से बंद हो जाती है। तभी जैन की नजर कुछ दूरी पर पड़े हुए चैंग के डेड बॉडी पर जाती है। चैंग तुम तो मेरे सामने खड़े हो, फिर? इतना कहकर जैसे ही जैन चैंग की ओर देखती है, चैंग का चेहरा बिगड़ने लगता है। उसकी गर्दन कड़क की आवाज के साथ दूसरी दिशा में घूम जाती है, हाथ पैर भी एक एक करके अपनी जगह पर ही मुड़ जाते हैं।
पूरे शरीर पर जगह जगह कटे के निशान दिखाई देने लगते हैं। जैन को देखकर वो भयानक सी आवाज में हंसने लगता है। जैन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। डर से उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वह तेजी से वहां से भागकर जंगल में और अंदर पहुंच जाती है। मैं क्या करूं? किसी को मदद के लिए बुलाती हूं। हाँ, यही सही होगा। जैन अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। वह बार बार लगातार अपना फोन ट्राई करती रहती है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं था। थककर वो अपना फोन जमीन पर पटक देती है। फिर से शाम घिरने लगी थी। जैन की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। जैन को पता भी नहीं था कि वो अपने टेंट से कितना दूर है। बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। जैन अपना मैग्नेटिक कंपास निकालकर उससे रास्ता पता करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कंपास की सुई अपनी जगह कंपन करती रहती है और थोड़ी देर में टूट कर गिर पड़ती है। थक गई हूँ मैं भागते हुए, थक गई हूँ, क्या करूँ मैं? गॉड प्लीज हेल्प मी। जैन अपना वीडियो रिकॉर्ड कर कैमरा जूम करके वीडियो बनाने लगती है। शायद कुछ ऐसा दिखाई दे जिससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। और चारों ओर कैमरा घुमाकर हर दिशा की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसे सावधानी से देखने लगती है। वीडियो देखकर कैमरा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ता है। वीडियो में दूर दूर तक पेड़ों की शाखा और पेड़ के आगे पीछे भयानक शक्ल वाली आत्माएं दिखाई दे रही थी। तभी जैन के कानों में फुसफुसाने की आवाज आती है और तेज हवा का झोंका उसके बाल हवा में उड़ा देता है। यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। जैन, आ जाओ हमारे साथ। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगले ही पल पेड़ की एक ऊंची सी डाल पर अपने आप फांसी का फंदा बनने लगता है और जैन हवा में ऊपर उठते हुए उस फंदे तक पहुंच जाती है। मैं मरना नहीं चाहती, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। जैन चीखती रहती है, लेकिन वह अदृश्य ताकत जैन को फंदे से लटका देती है। एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है और कुछ ही मिनटों में जैन का मृत शरीर फंदे से झूलने लगता है। पुलिस के आंकड़ों में फॉरेस्ट के नाम दो और आत्महत्या दर्ज हो गई थी। कहते हैं जापान के इस जंगल में हर साल तकरीबन 200 लोग कर लेते हैं। क्या आप भी यह जंगल देखना चाहेंगे? यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।